नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे YouTube चैनल पर वर्ड बिल्डिंग की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने अभी तक आपको वर्ड बिल्डिंग के 7 पॉइंट कवर करा दिए थे और इस वीडियो में मैं आपको 8वां पॉइंट कवर कराने जा रहा हूँ। 8वां और आखिरी पॉइंट है ये हमारा वर्ड बिल्डिंग सीरीज़ का। इसमें हम एडजेक्टिव से एडवर्ब किस तरह से बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एडजेक्टिव और एडवर्ब होते क्या हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, यानी कि क्वालिटी को बताते हैं, और एडवर्ब क्या होता है जो हमारी वर्ब की क्वालिटी को बताता है। इसको हम एडवर्ब को एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि बहुतों के लिए एडवर्ब वर्ड नया हो सकता है आप में से। तो एडवर्ब होता क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे राम चलता है, तो यहाँ पर चलना क्या है, एक वर्ब है walk, वॉल्क यानी चलना, ठीक है, चलना या घूमना, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्क एक वर्ब है और हम इस सेंटेंस में अगर एडवर्ब का यूज़ करते हैं, एडवर्ब जैसे राम तेज़ी से चलता है, तो यहाँ पर जो चलना इसके आगे तेज़ी से जो वर्ड आया ये हमारा एक एडवर्ब है। यानी कि जो चलना था उसके आगे हमने तेज़ी से यूज़ कर लिया, यानी कि ये जो चलना था उसकी विशेषता बता दी, वो कैसे चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है जो हमारी जो वर्ब है उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो किस तरह का है। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके कुछ सवाल हैं उनका जवाब दे दूंगा, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम एक सिंपल जो रूल है एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का वो देख लेते हैं। साधारण हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए ly का यूज़ करते हैं, ly प्रत्यय का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा देंगे तो वो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एक तरफ मैंने एडजेक्टिव लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ मैंने एडवर्ब लिखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जांपल है आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम, इससे हमारा एडवर्ब बनेगा आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से। सेसलेस यानी निरंतर और सेसलेसली, ये हमारा एडवर्ब बना। मैं बार बार दोबारा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें आपके कानों में खटकेगी, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, उन चीज़ों को आप समझते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला वर्ड है हमारा adequate यानी पर्याप्त, इससे हमारा बनेगा adequately यानी कि पर्याप्त रूप से। baseless यानी निराधार, और इससे बनेगा baselessly यानी कि बिना आधार के। casual यानी आकस्मिक, इससे बनेगा casually यानी कि संयोग से। constant यानी कि लगातार, और constantly यानी कि निरंतर। evident प्रत्यक्ष, evidently यानी स्पष्टता से। अगला वर्ड है हमारा figurative यानी आलंकारिक, और फिगरेटिवली यानी कि आलंकारिकता से। हैस्टी यानी कि जल्दबाजी, और हैस्टली यानी कि जल्दी से। अल्टीमेट अंतिम, और अल्टीमेटली यानी कि अंतिम रूप में या अंत में, ठीक है। तो अल्टीमेट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सी जगह अल्टीमेट का यूज़ और भी होता है, अलग मीनिंग पर भी यूज होता है, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पर जो दे रखा है वही उसका मीनिंग है, ठीक है ना। तो इनके कुछ और मीनिंग भी निकल सकते हैं। सेकेंड रूल है हमारा निम्न विशेषणों, एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं, के अंत में ले है, इनका क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं हिंदी में, एडवर्ब करते समय हम सिर्फ अंतिम ई का वाई कर देते हैं। तो इस रूल को मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अगर जो हमारा एडजेक्टिव है उसके लास्ट में क्या आ रहा है, एल ई आ रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमको एडवर्ब बनाना है तो वहाँ पर एल ई आ रहा है तो ई को हटा देंगे, एल को तो वाई रखेंगे और ई को हटा देंगे और वहाँ पर वाई लिख देंगे। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, तो वही एक तरफ मैंने एडजेक्टिव लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ मैंने एडवर्ब लिखे हुए हैं, चलिए बनाते हैं। हम्बल यानी कि विनम्र या नम्र, ठीक है, तो इससे हमारा एडवर्ब बनेगा हम्बली। अगला है इनविटेबल यानी अनिवार्य, इससे हमारा बनेगा इनविटेबली यानी अनिवार्य रूप से। फोर्सिबल यानी बलपूर्वक किया हुआ, और फोर्सिबली यानी बलपूर्वक। लिजबल सुवाच्य, और इससे हमारा वर्ड जो एडवर्ब बनेगा वो है लिजबली यानी स्पष्टता से। फेवरेबल यानी कि अनुकूल, और फेवरेबली यानी कि अनुकूल रूप से। चलिए अब हम देखते हैं हमारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है विशेषणों यानी कि एडजेक्टिव के अंत में
आई सी है। इनका क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब बनाते समय हम ए डबल एल वाई इसका यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हटाना है, बस ये देखना है कि जिस एडजेक्टिव के लास्ट में क्या आ रहा हो, आई सी आ रहा हो, तो वहाँ पर हमको कुछ ऐड करना है न कि हटाना है। ए डबल एल वाई इसको हमको ऐड कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित, तो इससे हमारा एडवर्ब बनेगा सिस्टमेटिकली यानी कि व्यवस्थित रूप से। ड्रामेटिक यानी नाटकीय, और इससे हमारा एडवर्ब बन रहा है ड्रामेटिकली यानी नाटकीय रूप से। एम्फेटिक यानी जोरदार, तो इससे हमारा वर्ड बनेगा एम्फेटिकली यानी जोर के साथ। एनर्जेटिक उत्साही, एनर्जेटिकली यानी उत्साह से। ग्रामेटिकल व्याकरण का, ग्रामेटिकली व्याकरण की दृष्टि से। तो ये था हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और आपका लास्ट वीडियो में कमेंट था कि सर ई एन लगाने पर कोई रूल बताइए कि इसको कैसे लगाते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स थे उस वीडियो के अंदर मेरे, जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स के लास्ट में ई एन लगा रखा था और कुछ वर्ड्स के शुरू में जैसे इनलार्ज इस तरीके से मैंने ई एन लगा रखा था। वहाँ पर आपको शायद कन्फ्यूजन हुआ होगा कि इस तरह से कैसे कर रखा है कि शुरू में और लास्ट में दोनों तरफ ई एन लगा रखा है, तो उसके लिए कुछ रूल भी होता होगा। तो इस तरह का कुछ भी रूल नहीं होता है, मैं बता दूँ आपको। ये सिंपल रूल थे सारे जो वर्ड बिल्डिंग के थे हमारे, ये सिर्फ आपकी जो वकेब है उसको इम्प्रूव करने के थे। तरह तरह से मैं आपको जैसे नाउन से प्रोनाउन, प्रोनाउन से नाउन और वर्ब से एडवर्ब इस तरह से बना के बता रहा था कि इस तरह से भी आप अगर एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको वर्ड नहीं सूझ रहे हैं तो आप इस तरह से घुमा फिरा कर उस वर्ड को ही उसका आंसर बना सकते हैं, या कुछ वर्ड्स बना सकते हैं अगर आपको वर्ड नहीं सूझ रहे हैं। तो ये सिंपल एक वीडियो था हमारा, और ज़्यादातर इसमें जो मैंने रूल्स बताए हैं वो सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स के लिए ही काम करेंगे। जो मैंने वर्ड्स आपको बताएं उन वर्ड्स पर ही काम करेंगे, आप सारे वर्ड्स में यूज़ करें तो वहाँ पर भी संभव नहीं है कि सब में काम करें। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो ये चीज़ें कुछ जगह ही काम करेगी, ज़्यादातर जगहों पर काम नहीं करेगी। अगर आपको अच्छी तरह से आपकी इंग्लिश वकेब को इम्प्रूव करना है तो आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपनी जो इंग्लिश वकेब को है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए जो हिंदी डब हो जो हिंदी में तो हो और इंग्लिश डब हो, उन मूवीज़ को देखिए, वो भी आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करेगी। आप तरह तरह की स्टोरीज़ पढ़िए इंग्लिश के अंदर, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं आप, नॉवेल से इंग्लिश डब हो रही। आप जो छोटे बच्चे हैं वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, उनकी बुक्स को पढ़कर शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश की। तो इस तरह से आपके वकेब, इस तरह से मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये हमारी आज की वर्ड बिल्डिंग सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी, इसके बाद में हम कुछ और नया शुरू करने वाले हैं। अगर आपके जहन में कुछ है कि आप अब क्या देखना चाहते हैं या क्या पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि हाँ चलो ये करते हैं। तो अगर रिप्लाई नहीं दूंगा तो वीडियो बना ही दूंगा उसके ऊपर कि चलिए आपने ये सजेस्ट किया था और उस पर वीडियो आ गई। बता दीजिए कि आप सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे हमारे जो हट के सेंटेंस चल रहे थे थोड़े दिन पहले, सीरीज चल रही थी उसकी भी अलग से, उन तरह के सेंटेंस बना दूंगा मैं, या फिर वकेब पर डाल दूंगा, या फिर कुछ नया डालेंगे। अब कंटिन्यू काम करना है, टेंशन मत लीजिए, वीडियो लगातार आने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।